अगर आपके पास लो बजट वाला फोन है, मतलब आपके पास अच्छा कैमरा वाला फोन नहीं है और आप दूसरे के फोन देखते हैं जिसके पास आईफोन होता है या अच्छा खासा फोन होता है जिसमें 3 कैमरे होते हैं, 2 कैमरे होते हैं, 4 कैमरे होते हैं, लेकिन आपके पास एक लो बजट का फोन है और सिंपल सा कैमरा है जिसमें एक ही कैमरा होता है, तो गाइस आपके उस कैमरे के फोटोज अगर आप लेते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड था वो एकदम से सिंपल तरीके से जैसा कैमरे में आता है वैसा ही आपका फोटो क्लिक होती है। लेकिन अगर आप दूसरे का देखते हैं तो उनके बैकग्राउंड जो कि ब्लर हो जाते हैं और काफी अच्छी खासी फोटो अच्छी क्वालिटी से आती है। तो इसीलिए गाइस अगर आपके पास लो कैमरा वाला फोन है तो आज की वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने फोटोज की अच्छी खासी जो कि फोटो क्लिक तो करेंगे, मतलब कैमरा वाला ही ऐप है, उससे आपकी फोटो भी काफी अच्छी आएगी, क्वालिटी भरी आएगी और साथ में आपका बैकग्राउंड जो कि ब्लर नहीं होता वो भी होना शुरू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस देखिए मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, तो उस एप्लीकेशन को मैंने अपने फोन पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो चलो गाइस मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखो गाइस इसका इंटरफेस इस तरह दिखेगा और यहाँ से आप किसी भी अपने नॉर्मल से फोन का जो कैमरा होता है, मतलब लो बजट का जो कैमरा होता है आपका फोन जो कि लो बजट का होता है और आपके फोन का कैमरा काफी ज्यादा जो कि भद्दा सा, मतलब फोटो अच्छी खासी नहीं आती, तो गाइस सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आई एग्री स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर देना। उसके बाद परमिशन यहाँ से कंटिन्यू मांगे तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से अलाउ करे, अलाउ करने के बाद फिर गाइस यहाँ से देखो फिर से अलाउ करने का ऑप्शन मांगे तो अलाउ कर देना। उसके बाद डायरेक्टली आपका बैकग्राउंड का जो कैमरा होता है आपका ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, तो कैमरा ओपन हो जाएगा तो यहाँ से मैं कैमरा का यूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे फोन पर काफी तक फोटोज पड़ी हुई, तो मैं अपने फोन के मतलब फोटोज दिए गए फोटोज में क्लिक करता हूं। तो गाइस यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से एडिट का जो ऑप्शन मिलता है तो सिंपली मैं इसमें क्लिक करता हूं और अपने फोन पे जो मेरे फोटोज दिए गए हैं मैं उसे क्लिक कर लेता हूं। तो यहां से मेरे फोन के जो फोटोज हैं वो ओपन हो जाएंगे। ओके गाइस, मेरे फोन पे जितने भी फोटोज होंगे वो यहां पे ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली गाइस यहां से मैं अपना एक फोटो जो कि सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखो गाइस यहाँ से मैंने एक फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से फोटो को सेलेक्ट कर लिया। अब फोटो सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं गाइस लो बजट के फोन से इस फोटो को क्लिक किया गया था, तो गाइस देख सकते हैं फोटो में जो कि कितना ज़्यादा जो कि डिफरेंट दिख रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम किसी अच्छे खासे आईफोन या किसी डबल कैमरे वाले फ़ोन से लेते या ब्लर करने का ऑप्शन मिलता तो हमारे जो बैकग्राउंड होता है ना वो फोटो का काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाता और फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। लेकिन यहाँ पे गाइस देख सकते हैं सिंपल सी फोटो और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। तो सिंपली गाइस करना क्या, मैंने यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कर लिया। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस को राइट स्वाइप करना है। ओके गाइस, यहां से आपको राइट स्वाइप करने के बाद यहां से आपको एक ऑप्शन मिलता है डीएसएलआर का, आप देख सकते हैं यहां पे एक ऑप्शन मिलता है आपको डीएसएलआर का, ये देखिए यहां पे। तो इस ऑप्शन जो डीएसएलआर का ऑप्शन मिलता है आप इसमें सिंपली क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद यहां से थोड़ा लोडिंग ले सकता है, तो लोडिंग के लिए वेट कर लेना। अगर आपका फोन ज्यादा अच्छा होगा तो तुरंत हो जाएगा, बट यहां से चलो थोड़ा समय ले रहा है तो वेट कर लेते हैं। अब गाइस देखो यहां से हमारी फोटो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस देख सकते हैं यहां पे जो हमारा बैकग्राउंड हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ से देखो गाइस आपको यहाँ पे मेरा हो चुका है, जूम हो चुका है, बैकग्राउंड पूरी तरह से जूम हो चुका है। तो यहाँ से आपको घटाने बढ़ाने का नीचे ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप इसे एकदम से घटा देंगे तो आपकी नॉर्मल सी जो फोटो थी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसे बढ़ा देते ना तो जिस तरह आपका डीएसएलआर में जो कि बैकग्राउंड ब्लर होता है उसी तरह यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आपका ब्लर होता है। तो ज़्यादा हम कर देंगे तो फोटो थोड़ा सा फटी वटी दिख सकती है, तो इसके लिए आपको नॉर्मल ज़्यादा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ऐसा रख देना है। अब उसके बाद देखो गाइस मैं इसे राइट टिक कर देता हूँ। ओके गाइस, मैं इसे राइट टिक कर लेता हूँ। अब राइट टिक करने के बाद ऊपर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, आप सेव पे क्लिक भी कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ से मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन अब ये हमारी फोटो गैलरी पे हमारी सेव हो चुकी है। ओके गाइस, अब ये हमारी फोटो गैलरी पे सेव हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से कट करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या वो हमारी फोटो सेव हुई है और क्या वो फोटो में हमारी बैकग्राउंड अच्छी खासी ब्लर हुई है या नहीं। तो यहाँ से सिंपली मैं अपना गैलरी ओपन करके आपको वो फोटो दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ से देखो हमारी वो फोटो यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ से वो फोटो हमारी सेव हुई थी, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखो गाइस हमारा बैकग्राउंड जो कि ब्लर हो चुका है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी से ब्लर हुआ है। अब देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छी क्वालिटी से ब्लर हो चुका है। तो पहली कैसी थी फोटो, हमारा बैकग्राउंड बहुत ही जो कि सिंपल सा दिख रहा था, लेकिन अब हमारी फोटो अच्छी खासी जो कि दिख रही है क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो चुका है। तो इस तरह आप भी गाइस इस एप्लीकेशन के थ्रू काफ़ी अच्छी खासी अपनी फोटो बना सकते हैं। और मैं बता दूं गाइस यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक ही ऑप्शन दिखा है जो कि फोटो ब्लर करने का, लेकिन उसमें आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। कैमरे के मामले में एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब इस एप्लीकेशन के ऊपर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।